अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स बच्चों, क्या आप लोगों की माई वर्ड की प्रेप क्लास की माई वर्ड की बुक है? बेटे आप लोग भी अपनी प्रेप क्लास की माई वर्ड की बुक ओपन करें आप लोग, और आज हम इसका देखेंगे पेज नंबर 37। ठीक है, राइट नेम्स ऑफ द लिविंग थिंग्स एंड फाइव नॉन लिविंग थिंग्स, राइट नेम्स ऑफ फाइव लिविंग थिंग्स एंड फाइव नॉन लिविंग थिंग्स विद द हेल्प ऑफ गिवन बैंक वर्ड बैंक। उन्होंने जो कहा हमें ये नीचे वर्ड्स दे दिए, हमने इनकी हेल्प से फाइव लिविंग थिंग्स हैं जो यहाँ राइट करनी है और फाइव नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो यहाँ राइट करनी है। अब सबसे पहले हम देखते हैं क्या है बी ए बी वाई बेबी, तो ये लिविंग थिंग्स में आता है, यहाँ राइट करेंगे आप। फिर है जी एल ए डबल एस ग्लास, ये नॉन लिविंग थिंग में है, यहाँ राइट करेंगे। फिर है पी एल ए एन टी प्लांट, ये लिविंग थिंग में है, यहाँ राइट करेंगे। फिर है पी एल ए टी ई प्लेट, ये नॉन लिविंग थिंग में है, यहाँ राइट करेंगे। अवन ओ वी ई एन, अवन भी नॉन लिविंग थिंग्स में आएगा। फिर है पैरेट पी ए डबल आर ओ टी पैरेट, लिविंग थिंग्स में आएगा। फिर है कुशन सी यू एस एच आई ओ एन, कुशन यहाँ आएगा नॉन लिविंग थिंग्स में। फिर है सी एच ए आई आर, चेयर भी नॉन लिविंग थिंग्स में आएगा। फिर ए एन टी आंट, लिविंग थिंग्स में आएगा। एंड एफ आई एस एच फिश, नॉन लिविंग लिविंग थिंग्स में आएगा। ठीक है, अब इनमें से फाइव जो हैं वो लिविंग थिंग्स हैं और फाइव नॉन लिविंग थिंग्स हैं। अब मैं आपको दोबारा बताती हूँ कि लिविंग थिंग्स कौन कौन सी हैं और नॉन लिविंग्स कौन सी हैं। बेबी लिविंग थिंग्स में आता है, ग्लास नॉन लिविंग थिंग्स में, प्लांट लिविंग थिंग्स में आता है, प्लेट नॉन लिविंग थिंग्स में, अमन भी नॉन लिविंग थिंग्स में, पैरेट लिविंग थिंग्स में आता है, कुशन नॉन लिविंग थिंग्स में आता है, चेयर भी नॉन लिविंग थिंग्स में आती है, आंट एंड फिश दोनों लिविंग थिंग्स में आते हैं। पहले आपने इनको इधर राइट करना है, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, और फिर इनको आपने अलग अलग ऐसे ही अपनी नोटबुक पे भी राइट करना है। एक पेज पे आप लिविंग थिंग राइट कर लीजिएगा और नेक्स्ट पे नॉन लिविंग थिंग राइट कर लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं पेज नंबर 38, सेफ्टी हिफाजत, सेफ्टी एट होम। सेफ्टी का मतलब होता है हिफाजत, सेफ्टी एट होम घर पर, होम होता है घर, तो घर पर जो हिफाजत उसको हम कहेंगे सेफ्टी एट होम, कि हम घर पर कैसे महफूज रह सकते हैं। अब पहले हम देखते हैं डी ओ डू एन ओ टी नॉट टी ए के ई टेक एम ई डी आई सी आई एन ई मेडिसन ओ एन ऑन वाई ओ यू आर ओ डब्ल्यू एन ऑन। अब उन्होंने कहा है कि डू नॉट टेक मेडिसन ऑन यू आर ऑन, कि आप अपने आप कोई भी मेडिसन नहीं लें, मतलब आपको अगर आपको फीवर है या आपकी तबीयत ख़राब है तो जो भी आपको मम्मा मेडिसन दे या डॉक्टर दे तो आपने वही मेडिसन लेनी है, आपने अपनी मर्ज़ी से कोई भी मेडिसन नहीं लेनी। ठीक है, तो ये है कि ये देखिए इन्होंने इधर बताया भी हुआ है डू नॉट टेक मेडिसन ऑन यूर ऑन। पहली बार पहले तो ये है कि ये आपकी रीडिंग है, और दूसरा आपने इसको समझना भी है कि उन्होंने कहा क्या हुआ है। ठीक है, तो कोई मेडिसन अपने आप ना लें। डी ओ डू एन ओ टी नॉट टी ओ यू सी एच टच टी एच ई दार एस डब्ल्यू आई टी सी एच स्विच बी ओ ए आर डी एस बोर्ड्स डब्ल्यू आई टी एच विद डब्ल्यू ई टी वेट एच ए एन डी एस हैंड्स डू नॉट टच द स्विच बोर्ड्स विद वेट हैंड्स। अब उन्होंने कहा है कि गीले हाथों से स्विच बोर्ड को टच ना करें। अगर आप गीले हाथ, पहली बात तो ये है कि आप छोटे बच्चे हैं, आपको स्विच बोर्ड्स को टच करना ही नहीं चाहिए, और अगर आपने लाइट जलानी ही है, कोई पास नहीं है और आपको लाइट की ज़रूरत है, आपने लाइट ऑन करनी है, तो फिर आपने गीले हाथ बिल्कुल नहीं लगाने। हैंड वॉश किए भी हुए हैं तो पहले उनको ड्राई करें टॉवल से, फिर आपने स्विच बोर्ड जो है उसे ऑन करना है, बटन ऑन करना है। ठीक है, नेक्स्ट है डी ओ डू एन ओ टी नॉट पी एल ए वाई प्ले डब्ल्यू आई टी एच विद एस एच ए आर पी शार्प टी एच आई एन जी एस थिंग्स डू नॉट प्ले विद शार्प थिंग, जो तेज़ काटने वाली चीज़ें होती हैं उनके साथ ना खेलें। जैसे कि आप ये इन्होंने इधर दिखाए हुए हैं, ये नाइफ से एप्पल काटते हैं। अब आप छोटे हैं तो आप खुद नहीं काट सकते, ठीक है, तो आप अपनी मदर से कटवाएं या अपनी सिस्टर से जो बड़ा है, आप इन चीज़ों को हाथ नहीं लगाएं वरना आपका हाथ कट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है डी ओ डू एन ओ टी नॉट पी एल ए वाई प्ले डब्ल्यू आई टी एच विद एम ए टी सी एच मैच बी ओ एक्स बॉक्स डू नॉट प्ले विद मैच बॉक्स। तो वो कह रहे हैं कि मैच बॉक्स जो है माचिस बॉक्स जो जिससे हम माचिस जलाते हैं, जिससे हम आग जलाते हैं, माचिस जो बॉक्स होता है मैच बॉक्स जो होता है उसको हम माचिस कहते हैं और उसे हम आग जलाते हैं, तो आप उसके साथ नहीं खेलें। ये ना हो आप उसको जला के कहीं फेंकें तो किसी कर्टन को लग जाए, तो कोई कुछ भी नुकसान हो सकता है, बेडशीट को लग जाए, आपको पता ना चले, क्योंकि आप छोटे बच्चे हैं तो आप बिल्कुल माचिस को नहीं छेड़ेंगे, मैच बॉक्स को आप नहीं पकड़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है पेज नंबर हमारा 39। अब उन्होंने कहा हुआ टिक द चिल्ड्रंस हु आर सेफ क्रॉस आउट द
चिल्ड्रन हु आर अनसेफ, उन्होंने कहा है कि जो सेफ है उन्हें आपने टिक करना है और जो अनसेफ है उन्हें हमने क्रॉस करना है। सबसे पहले ये मैच बॉक्स के साथ खेल रहा है तो ये अनसेफ है, इसको हम क्रॉस कर देंगे। ये अपने इसने ये जो है मैच बॉक्स इसके भी पास है लेकिन ये साथ जो बड़ा है उसको दे रहा है तो ये सेफ है, ठीक है। इसके बाद ये है, ये स्विच ऑन कर रहा है, बटन ऑन कर रहा है तो ये इसके हैंड जो हैं वो ड्राई हैं तो ये सेफ़ है। ये देखें इसके हैंड्स जो हैं वो वेट हैं यानी कि गीले हैं तो ये अनसेफ है। नेक्स्ट है ये जो है ये अपनी मदर से कटवा रहा है, या ये देखें इसने इनको पकड़ाया हुआ है कि मुझे एप्पल काट दें तो ये सेफ़ है, इधर हम टिक करेंगे। और ये खुद लेके बैठा हुआ है इसका मतलब ये अनसेफ है, इसे हम क्रॉस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पेज नंबर 40, सेफ रोड सेफ्टी। तो पहले हमने होम सेफ्टी देखी थी, अब हम रोड सेफ्टी देखेंगे क्योंकि आप छोटे हैं लेकिन फिर भी आपको घर से बाहर भी जाना पड़ता है तो हम अब रोड सेफ्टी देखेंगे कि उसमें क्या क्या हमें उन्होंने बताया हुआ है आप लोगों के लिए। बी ई बी सी ए आर ई केयर, एफ यू एल फुल बी केयरफुल, डब्ल्यू एच ई एन वैन बाई ओ यू यू सी आर ओ डब्ल्यू एस क्रॉस टी एच ई द आर ओ ए डी रोड। बी केयरफुल वैन यू क्रॉस द रोड के मतलब ध्यान से इधर उधर देखें, जब आप रोड क्रॉस कर रहे हो अपना ध्यान रखें आप लोग, आपको चाहिए कि पहले आप दोनों साइडों पे देख लें और फिर ध्यान से सड़क पार करें, ठीक है। बी ई बी सी ए आर ई केयर, एफ यू एल फुल डब्ल्यू एच आई एल ई वाइल सी एल आई एम वी आई एन जी क्लिम्बिंग वाइल क्लिम्बिंग ऑन डी एच ई द एस सी एच डब्ल्यू एल स्कूल बी यू एस बस। बी केयरफुल वाइल क्लिम्बिंग ऑन द स्कूल बस, उन्होंने कहा हुआ है कि ध्यान रखें जब आप स्कूल बस पर चढ़ रहे हों, ये ना हो कि बस अभी रुकी ना हो और आप पहले चढ़ना स्टार्ट हो जाएं, और ये ना हो कि बस चल पड़े और आप अभी पूरी तरह ऊपर बस पे चढ़े ना हो, तो आप ध्यान से बस पे भी चढ़ें। डी ओ डू एन ओ टी नॉट पी एल ए वाई प्ले ओ एन ऑन टी एच ई द आर ओ ए डी रोड, डू नॉट प्ले ऑन द रोड। तो ये उन्होंने कहा हुआ है कि सड़क पर बिल्कुल ना खेलें, डू नॉट प्ले ऑन द रोड। आपको पता है ना कि बाइक आ रही होती है, कोई कार आ रही होती है, कोई गाड़ी बस मोटरसाइकिल कुछ भी आ रहा होता है तो आप सड़क पर बिल्कुल नहीं खेल सकते, ठीक है। ए एल डब्ल्यू ए आई वाई एस ऑलवेज सी आर ओ डब्ल एस क्रॉस टी एच ई द आर ओ ए डी रोड, एफ आर ओ एम फ्रॉम जी ई बी आर ए ज़िब्रा सी आर ओ डब्ल एस आई एन जी ज़िब्रा क्रॉसिंग ऑलवेज क्रॉस द रोड फ्रॉम ज़िब्रा क्रॉसिंग। जब आप रोड क्रॉस करें तो ज़िब्रा क्रॉसिंग का हमेशा ख्याल रखें, ठीक है। ये हमारा पेज नंबर 40 कम्प्लीट हो गया। ओके बच्चों, आपने जहाँ तक ये आपका पेज जो है ये रीडिंग है आपकी, ठीक है, तो आपने इसकी रीडिंग करनी आनी चाहिए आपको, और आपने जो मैंने वर्ड्स मीनिंग मुश्किल मुश्किल आपको बताए हैं वो भी आपने लिख के देखने हैं, ठीक है। और यहाँ तक हमारा जो कंप्लीट हो गया है। ओके बच्चों, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।